Hey guys, I'm Hina. So, आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वाव स्किन साइंस का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक. सो लेट्स सी कि ये प्रोडक्ट कैसा है. हम घर पे तो बहुत बनाते हैं बट एक रेडीमेड फेस पैक मिल रहा है तो लेट्स ट्राई. मैंने अभी तक ये प्रोडक्ट ट्राई नहीं की हूँ, आपके सामने ही ट्राई करूंगी और रिजल्ट भी बताऊंगी. सबसे पहले आप इसकी डिटेल्स जान लो. जार है और 399 MRP है. करंटली मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है सिवाय लिपस्टिक के. सो लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट. पैकेजिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जार मिलेगा और इसको अप्लाई करने के लिए कुछ भी दिया नहीं है. मैं कोई ब्रश वगैरह यूज नहीं करने वाली हूँ, सिंपली अपने हाथों से यूज करना ही बेटर लगता है. देखो स्मेल तो एग्जैक्टली वैसी है जैसे हम पहले से यूज करते आए हैं, बट लेट्स सी. इसका मुझे काफी क्रीमी टेक्सचर लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैं कोई लोशन या बॉडी क्रीम वगैरह लगा रही हूँ. फेस पैक कम और क्रीम ज्यादा लग रहा है एंड मैं बहुत ही थिन लेयर लगा रही हूँ ताकि जल्दी ड्राई भी हो जाए. मुझे ज्यादा रखना पसंद नहीं है, इतना ही लगाओ जितना जरूरत हो. सो मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, बहुत ही थिन लेयर लगाई है. ये फेस पैक की मुझे एक बात सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि मेरी स्किन को ये ज्यादा इरिटेट नहीं कर रहा है. मैं ज्यादातर फेस पैक को अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है. रिजल्ट अच्छे देते हैं फेस पैक बट मेरी स्किन वैसी है जो ज्यादा सूट नहीं करते हैं. रेडनेस हो जाती है मेरे फेस पे कोई भी फेस पैक लगाने के बाद. रेडनेस थोड़ी देर के लिए रहती है बट इरिटेट होता ही है. बट ये फेस पैक वैसा नहीं लग रहा है मुझे अभी फिलहाल, तो उतना इरिटेशन नहीं हो रही है. बट ड्राई होने के बाद देखती हूँ, फेस वॉश करने के बाद पता चलेगा कि मेरी स्किन पे वैसा हुआ है कि नहीं. रेडनेस होगी तो पता चल ही जाएगा क्योंकि नॉर्मली जब हम घर पे बनाते तो उससे इरिटेशन वगैरह नहीं होती है मुझे. ओके, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगाने के बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस तो पता नहीं चलेगा क्योंकि सिंपली ये आपकी स्किन को अच्छे से प्यूरिफाई करके ये ग्लो प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता. सो बात करते करते मेरा फेस पैक भी सूख रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्यूरिफाई करने में हेल्प करेगा, ब्राइटन करने में हेल्प करेगा एंड कंट्रोल करेगा एक्सेस ऑयल को. एंड दिस इज द रिजल्ट. रेडनेस हो चुकी है मुझे ये नोज वाले एरिया में और ये यहाँ भी. ये पता नहीं क्यों मेरी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है वहाँ पे, बट ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है. जैसे कि मैंने आपको कहा था, कोई भी फेस पैक हो, कोई भी ब्रांड का हो, वो मेरी स्किन को इरिटेट करता ही है. फेस पैक अगर मैं घर पे बनाऊँ तो उससे मुझे इरिटेशन नहीं होती है, बट मैं कोई भी ब्रांड का यूज करूँ तो ये सेम प्रॉब्लम है. ये प्रोडक्ट के बारे में मैं अगर कहूँ तो इसने मेरी स्किन को रिफ्रेश किया है एंड एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड किया है, ये दो चीज है. एक्सेस ऑयल के बारे में बात करूं तो या थोड़ा बहुत तो ऑयल उसने निकाला है. आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं बट यहाँ रेडनेस है और इसको जाते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. सो यार ये प्रोडक्ट में कोई बुराई नहीं है, बस मेरे फेस पे कुछ फेस पैक सूट नहीं करता है इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रखी. मैंने सिर्फ 10 मिनट्स रखी हूँ मेरे फेस पे क्योंकि ज्यादा देर रखती मेरी रेडनेस बढ़ जाती. बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट में लिखा था कि ब्राइटन अप करेगा स्किन को, ऑब्वियसली स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड किया है इसने एंड एक रिफ्रेशिंग जैसा लगता है चेहरे पे. सो यार यही था आज का वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे. और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.